सरल सही था पेपर, कुछ कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जानी थी। इकोनॉमिक्स थोड़ा क्वेश्चन टफ था इस बार, पेपर बहुत आसान था इस बार। ज्योग्राफी के थोड़े हार्ड लेवल के थे, थोड़ा फैक्ट ज्यादा पूछ लिए थे उन्होंने। एनसीईआरटी अगर जो अच्छा से पढ़ा होगा उसका पेपर अच्छा गया होगा। हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विभांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज अभी यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का अभी यहाँ पर एग्जाम हो रहा है, जीएस फर्स्ट का एग्जाम। अभी कैंडिडेट्स अपना देने गए हैं, अभी कैंडिडेट्स बाहर निकलने वाले हैं, उनसे जानेंगे आज का उनका एग्जाम कैसा रहा, कैसा माहौल रहा अंदर का, साथ साथ क्वेश्चंस वगैरह इस बार किस तरीके से पूछे गए, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। बस आप लोग वीडियो में तक बने रहिएगा, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम विकास सिंह। यूपीएससी का आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है और मीडियम कह रहा? मेरा थर्ड अटेम्प्ट है और हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम, तो इसके पहले जो दो अटेम्प्ट आपने दिए थे उसमें क्या चीज़ थी? फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैं पहले ही मतलब दे दिया था, ज़्यादा तैयारी नहीं थी, लेकिन सेकंड में मेरा सिसाइड नहीं हुआ था। और आज के पेपर की बात करें तो कैसा पेपर आपको रहा, मतलब जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, पीवाईक्यू पैटर्न पे था या मतलब कुछ बदलाव था इस बार? बदलाव क्या, पुराना जो पहले का था दो सालों से बदलाव हो रहा है, मतलब अब ट्रेडिशनल क्वेश्चन कम आ रहे हैं। ये आपका क्या नाम है? मेरा अखिलेश यादव। आपको आज का पेपर कैसा लगा? मुझे अच्छा था, आज का ठीक था, उस बार से थोड़ा इस बार ठीक अच्छा था जीएस का। आपको क्या लग रहा है, मतलब कौन से पोर्शन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस बार पूछे गए? इस बार तो जो है उससे तो अब क्या है, जियोग्राफी भी ठीक ठाक था, साइंस इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स थोड़ा क्वेश्चन टफ था इस बार, थोड़ा तब लग रहा था। हाँ तो दोस्तों इस तरीके के ट्रिकी और मुश्किल सवालों का जवाब आज शाम 5 बजे आपको मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर इकोनॉमिक्स मुनाल पटेल सर, हिस्ट्री प्रतीक नायक सर, जियोग्राफी एंड एनवायरमेंट सुदर्शन गुर्जर सर, पॉलिटी सिद्धार्थ अरोरा सर, साइंस एंड टेक चंद्रमौली सर के द्वारा इंडिया के मोस्ट एक्यूरेट प्रीलिम्स पेपर का एनालिसिस अनअकैडमी के अनस्टॉपेबल चैनल पर। तो दोस्तों आप भी डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से जुड़कर इन ट्रिकी और मुश्किल सवालों का जवाब जानिए। और फिर साइंस का भी था ठीक ठाक, और भूगोल का भी था। इसके पहले मतलब और अटेम्प्ट्स वगैरह की बात करें तो कितना अटेम्प्ट्स आपने यूपीएससी? मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। और मीडियम क्या रहा आपका? हिंदी मीडियम। तो इसके पहले जो आपने अटेम्प्ट्स किया था तो मतलब वो कैसा गया था और उसकी अपेक्षा आज का पेपर कैसा? नहीं, उस बार का पेपर था, इस बार मेरा जीएस अच्छा हुआ है, ये कह सकते हैं अच्छा हुआ है। अच्छा, अभी कुछ लोग से हमने बात की तो वो लोग भी बता रहे हैं इस बार मतलब पहले की अपेक्षा इस बार का जीएस का पेपर मतलब अच्छा आया था। हाँ, थोड़ा आसान कर दिया इस बार। इकोनॉमिक्स से लगभग वही 20 क्वेश्चन था और सबसे ज़्यादा जो हमको लगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से था, लगभग 24 क्वेश्चन। मतलब आपने काउंट करके सारा? हाँ, मैंने कर लिया काउंट। और जैसे कि हो गया हिस्ट्री वगैरह या फिर करंट अफेयर वगैरह के मतलब किस तरीके क्वेश्चन थे? करंट काफ़ी योजनाओं से आई थी, दो चार योजना था, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन योजना से था। वो करंट का जो क्वेश्चन था वो मतलब कितना पुराना पूछा जा रहा था, मतलब लेटेस्ट या फिर 1 साल पुराना पूछा जा रहा, कैसे? 1 साल का पूछ रहा था। 1 साल के? हाँ, 1 साल का। बाकी आपका यूपीएससी के लिए आपका कौन सा अटेम्प्ट था और मीडियम आपका क्या? फर्स्ट। यस। मीडियम दोनों मीडियम है, लेकिन बोल सकते हैं आपने कौन से मीडियम? हिंदी मीडियम दिए। हेलो भैया, क्या नाम आपका? आयुष। सर पेपर कैसा रहा आपका? मेरा कैसा रहा, रिस्क तो लेते ही हैं लेकिन पेपर बहुत आसान था इस बार। और क्वेश्चंस वगैरह अगर बात करें तो मतलब किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा? पॉलिटी से सबसे ज़्यादा थे, और इकोनॉमिक्स का पोर्शन थोड़ा रिड्यूस हुआ था, पॉलिटी से सबसे ज़्यादा थे। और मीडियम आपका क्या रहा, तैयारी वगैरह आपने कैसे? इंग्लिश मीडियम। और अटेम्प्ट आपका यूपीएससी के लिए कौन सा? पहला अटेम्प्ट। कुछ क्वेश्चन आप दिखा पाएंगे हमारे व्यूवर्स को कि कुछ क्वेश्चन से यदि आपको जैसे ट्रिकी लगा हो, कठिन लगा हो या फिर आसान? ये तो रहता ही है, ट्रिकी तो होगा, ये ट्रिकी ना हो तो फिर यूपीएससी का पेपर फिर किस बात का, लेकिन ठीक है, सिंपल था, डायरेक्ट ही क्वेश्चन थे, जो चीज़ें नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं उन्हीं से ज़्यादा थे। अच्छा, जो छात्र मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं अगर, तो उनको लिए कुछ सजेशन रहेगा कि मतलब आगे आने वाले पेपर जो मान लीजिए नेक्स्ट ईयर देने वाले, उनके लिए कोई सुझाव रहेगा किस तरीके से पढ़ते हैं? तो सजेशन दे ऐसे, अभी हम क्या सजेशन। हेलो भैया, क्या नाम आपका? अभिषेक नाम है मेरा। आज का आपका ये पेपर कैसा गया? पीसीएस अच्छा था सर पेपर। सॉरी, प्रीलिम्स का पेपर अच्छा था वो पेपर। और ये आपका अटेम्प्ट कौन सा आप यूपीएससी के लिए? लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट छठवां अटेम्प्ट। उसके पहले आपने जो अटेम्प्ट्स किए हैं उसमें क्या चीज़ थी? उसमें सर मैंने मेंस लिखा था एक बार 20 में, उससे पिछली बार जो है ना सी सेट में रह गया था, सी सेट। इस बार देखते हैं क्या होता है। और मीडियम आपका क्या रहा? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। तो मतलब तैयारी के लिए आपने कहीं कोचिंग वगैरह की थी या कैसे मतलब तैयारी आपकी रही? कोचिंग सर एक काउंसिल कोचिंग खुली थी 17 के आसपास, वहाँ से बेसिक किया था, फिर ऐसे ही अपना करते रहे भैया। अच्छा, आज आपका एग्जाम जो था प्रीलिम्स का वो कैसा गया आपका, कैसे क्वेश्चंस वगैरह किस तरीके से पूछे गए थे? क्वेश्चन सर वैसे ही जैसे पूछे जाते हैं वैसे ही था, कुछ खास नहीं था। जैसे पिछली बार 40-40 क्वेश्चन पूछे थे कथनों वाले, तो वो अब कम कर दिए हैं,
शायद मेरे हिसाब से 7-8 के लगभग होंगे, ज़्यादा नहीं था। तो कुछ आपको लगा कि मतलब इस बार कुछ पैटर्न भी बदला हुआ है या फिर या जो आप बता रहे हैं कथन वाले क्वेश्चन इस बार कम कर दिए गए थे? कुछ ऐसा पैटर्न का कुछ ऐसा खास नहीं था, मतलब सरल सा ही था पेपर, कुछ कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जानी चाहिए अगर सेकंड पेपर ठीक नहीं आता है तो। अच्छा, कोई क्वेश्चन आपको लगा हो कि मतलब कठिन हो या आपको याद आ रहा हो कोई क्वेश्चन? थोड़े ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे, ओशनोलॉजी वगैरह से, वो थोड़े हार्ड से थे, कुछ ऐसे याद नहीं अभी एकदम मुझे। तो बाकी अगर पेपर वाइज बात करें तो लगभग किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आए थे? करंट अफेयर वगैरह का वेटेज क्या था या हिस्ट्री पॉलिटी का वेटेज क्या था, कुछ याद आ रहा होगा? हिस्ट्री का लगभग क्वेश्चन जो थे ना लगभग सरल से ही थे, मतलब पहले जैसे पूछा उससे तो सरल ही थे, और ज्योग्राफी के थोड़े हार्ड लेवल के थे, थोड़ा फैक्ट ज़्यादा पूछ लिए थे उनने, और करंट कुछ खास क्वेश्चन नहीं थे मेरे हिसाब से, 15 या 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे। टर्मोलॉजी कुछ क्वेश्चन थे और साइंस टेक के अच्छे क्वेश्चन थे उसमें। जैसे आप अगर आज का पेपर देख के अगर आप कुछ बताना चाहें छात्रों को जो तैयारी करें, तो उनको कुछ बताना चाहें कि किस तरीके से अपनी तैयारी आगे करें ताकि यहाँ पे आके कोई दिक्कत आपको ना हो क्वेश्चन वगैरह पूछने के पैटर्न के हिसाब से? ज़्यादा से टेस्ट पेपर लगाएं, उससे ज़्यादा फायदा हो सकता है। हेलो भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम आशीष कुमार है। इस बार UPSC के लिए आपका कौन सा अटैम्प्ट है? मेरा फोर्थ अटैम्प्ट है। जो इसके पहले आपने अटैम्प्ट दिए थे उसमें मतलब क्या चीज़ें हुई थी, प्रीलिम्स वगैरह या मेंस इंटरव्यू? नहीं, उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं होता, ये मेरा जो है पिछली बार भी नहीं निकला प्रीलिम्स, लेकिन इस बार फिर ट्राई किया मैंने, अब देखिए क्या होता है, रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। आज का ये पेपर आपको कैसा लगा, मतलब पिछली बार की अपेक्षा? पिछली बार की अपेक्षा पेपर बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा से समय आ रहे थे मुझे, यानी जो पेपर मैंने किया है कि जिसे चीज़ पढ़ रहा था सारी चीज़ें एकदम समझ में आ रही थी, हाँ पेपर में लग रहा था कि नहीं कुछ ठीक ठाक पेपर है। जैसे हर बार का UPSC का रहता है कि मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें अलग से डाल देता है कि मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या अलग से मतलब कोई चीज़ें कुछ ना कुछ बदलाव कर देता पैटर्न में, तो इस बार क्या आपको लगा कि मतलब बदलाव हुआ था? हाँ, वो तो रहता ही हर पेपर में रहता है आपका, कि कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो है जो कन्फ्यूजन रहते हैं उसमें, 10, 12, 15, 20 का वेटेज होता है, कभी कभी 25 का वेटेज होता है, तो कभी कभी 20 का वेटेज। इस बार का जो वेटेज था मान के चलिए कि 18 से 19 के बीच में वेटेज, ऐसे क्वेश्चन थे जो कन्फ्यूजन थे, मतलब कठिन क्वेश्चन जो मेरे लिए थे, मेरे लिए ऐसे लग रहे थे कि जो मुश्किल लग रहे थे मैंने उसको टच ही नहीं किया। ओवरऑल मतलब आपके हिसाब से इस बार का पेपर आपका अच्छा गया है? हाँ, इस बार मेरा पेपर पिछले बार के जितने मैंने अटेम्प्ट किए हैं उससे मेरा पेपर ये अच्छा गया है, क्योंकि पिछली बार मैंने जो पेपर दिया तो कुछ चीज़ें मुझे समझ भी नहीं आए थे, लेकिन इस बार मैंने जो पेपर दिया है बहुत चीज़ें समझ में, लगभग चीज़ें समझ में, और कॉन्फिडेंस भी है कि मैं भी हो भी सकता है। बाकी कुछ छात्रों को सलाह देना चाहेंगे, मान लीजिए अभी आप खुद प्रिपरेशन की फेज में, लेकिन यदि मतलब आप उनको देना चाहें कि किस तरीके की तैयारी करके आए ताकि यहाँ पे आके उन मतलब सवालों में ना फंसे जो छोटे छोटे? मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है आप अगर NCERT अच्छे से पढ़ें, अब प्लस जो है आपका जो है हिस्ट्री और आपका जो पॉलिटिकल ये आपका मजबूत है तो पेपर आराम से कर जाएंगे। हेलो भैया, क्या नाम आपका? यशवंत कुमार। एग्जाम आपका कैसा रहा आज का? एग्जाम तो फिलहाल ठीक ही है। और UPSC के लिए आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था और मीडियम वगैरह? छठा अटेम्प्ट है, हिंदी मीडियम है, पिछले मतलब अभी हुआ नहीं प्री में सिलेक्शन किसी में भी। और जैसे पिछली बार की अपेक्षा या फिर आपने जो अटेम्प्ट दिए थे उसके काफ़ी मतलब सामान्य है पिछली बार की अपेक्षा? जैसे पिछले में जो है आप में इकोनॉमिक्स पार्ट ज़्यादा थे, इस बार कम हो गए, इसमें जियोग्राफी का बहुत अधिक कर दिया, जियोग्राफी जो है वो भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है क्वेश्चन इसमें। जैसे और किस पोर्शन से लगभग कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? जियोग्राफी में फिजिकल जियोग्राफी से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही आए हैं, और कुछ जो है मैप बेस्ड आए हैं, जैसे पूछा है किन दो देशों की भी सीमाएँ सबसे लंबी हैं, जैसे अर्जेंटीना और चिली के बीच, अमेरिका कनाडा, इसे मतलब पूछा है, कुछ मैप बेस्ड है और कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो दोस्तों आज शाम 5 बजे देश के सबसे बेहतरीन एजुकेटर्स के साथ UPSC CSE प्रीलिम्स के एनालिसिस को अटेंड कीजिए अनअकैडमी के अनस्टॉपेबल चैनल पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।